देखो कतर पक्का लावणी बोलबो देखो भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और ग्रामीण अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं सबौर प्रखंड के मसाड़ू में तबाही मची है। जैसे जैसे जलस्तर गिर रहे हैं, सैलाब से भी भयावह स्थिति होती जा रही है। नदी कटाव से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक करके घर गंगा में समा रहे हैं। ममलखा पंचायत के इस गांव में गंगा के कटाव से 10 मिनट में 3 और मकान नदी में समा गए हैं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। सीधे बैठी। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर है। गांव के 30% घर विलीन हो चुके हैं, जबकि 30% घर गंगा के मुहाने पर हैं। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि अगले 24 घंटे के अंदर फिर से दर्जन भर से अधिक घर गंगा में विलीन हो जाएंगे, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। उधर महज 10 मिनट में 3 पक्के मकान गंगा में समा चुके हैं। ये तीनों घर अलग अलग परिवार के हैं। गांव के राजेंद्र मंडल, नागेश्वर मंडल और श्याम सुंदर मंडल ने मजदूरी और पशुपालन कर सपनों का आशियाना बनाया था, लेकिन गंगा के घटते जलस्तर से कटाव तेज होने पर सबका सपना बहा ले गया। कुल मिलाकर मसाड़ू गांव में 50 से अधिक घर गंगा में समा चुके हैं, जिनमें सरकारी भवन से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र और जल मीनार भी शामिल हैं। बिहार में बाढ़ से 13 जिलों में स्थिति बिगड़ी हुई है, जिससे 16 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। सूबे में 68 पंचायतों के 395 गांवों में पानी फैल चुका है। इस दौरान मुंगेर में 7 बच्चों सहित 8 लोग और बेगूसराय जिले में 3 लोगों के डूबने से मौत हो गई है। उधर राजधानी पटना और खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर गिरने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सूबे में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। डायरेक्ट बैठ लो।